ओके, उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जोरदार टॉपिक है, वो है लूप्स। लूप्स क्या करता है? लूप्स एक तरीका होता है जो एक ही तरह के कोड को बार बार रिपीटेटिवली रन कर देता है। ठीक है, अब जैसे मैंने फॉर आई इज इक्वल टू 200 लगाया तो मेरा जो कोड है वो 99 टाइम्स रन करेगा, और बीच में मेरा कोड ये है सेल्स आई कॉमा वन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू आई, यानी कि जो भी ये सेल डायनामिकली मैं सेलेक्ट जो ले रहा हूं उसकी वैल्यू आप ये लूप के हिसाब से असाइन कर दो। तो एक ही तरह के रिपीटेटिव कोड को अगर मुझे बार बार रन करना है तो मैं लूप्स की मदद से वो काम कर सकता हूँ। आइए एक लूप लिख लेते हैं यहाँ पे, तो अपने को ज्यादा इसमें समझ में आएगा। सब फॉर लूप एग्जाम्पल, और लूप लिखने के लिए हमको एक वेरिएबल की जरूरत पड़ती है जिसको हम बार बार अपने लूप में इंक्रीमेंट दें। तो जनरली प्रोग्रामिंग में लोग आई आर का आई और एल का यूज ज्यादा करते हैं, वो टिपिकली शुरू से ही चला आ रहा है इसलिए यूज करते हैं, वैसे अदरवाइज कोई रीजन नहीं है। हम लूप के लिए कोई और वेरिएबल भी बना सकते हैं, तो मैं फिलहाल आई यूज करता हूँ, डिम आई एज लॉन्ग। ठीक है, और उसके बाद मुझे लिखना होता है फॉर लूप लिखने के लिए फॉर। अब मुझे जिस वेरिएबल को बार बार इंक्रीमेंट देना है, जिसे बार बार चलाना है, उसका मैं नाम लिखूंगा, तो मैं लिखता हूँ फॉर आई। अब मुझे लिखना है इज इक्वल टू, देखे कितनी बार मुझे प्रोग्राम रन करना है, कितने से कितने नंबर के बीच में रन करना है। तो मुझे 1 to 100 रन करना है, यानी कि आप आई को 1 से लेके 100 बार इंक्रीमेंट करो, बढ़ाओ, और क्लोजिंग में मुझे लिखना होता है नेक्स्ट आई। ठीक है, तो जब भी मेरा कोड यहां से चलता है नेक्स्ट आई पे आके उसको एक इंक्रीमेंट मिल जाता है, यानी कि शुरू में जब भी चलेगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी और जैसे ही नेक्स्ट आई पे आएगा ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, एक कोड लिख लेते हैं सेल्स आई कॉमा 1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू लूप रन, और यहां पे सिंपली आई की वैल्यू फिर से लिख लेते हैं सी एस टी आर आई। यहाँ पे मैं आई को स्ट्रिंग, आई की वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा रहा हूँ, वो अपने बाद में देखेंगे हम लोग कैसे करते हैं इस फंक्शन का यूज, कन्वर्ट फंक्शन का। तो मैं इसको जैसे ही रन करूंगा ये 1 से लेके 100 तक ये कोड रन करेगा। हमने डायनामिक वैल्यू की बात की, डायनामिक मेथड की बात की थी सेल में वैल्यू लिखने के लिए, तो यहाँ पे मैं रो, जो मेरा रो का नंबर होता है उसको मैं आई से रिप्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि आई को मैं हर बार अपने लूप में एक इंक्रीमेंट देता जा रहा हूँ, तो उसकी एक वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है। और कॉलम के लिए मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। मैं कॉलम को भी चाहे तो आई से रिप्लेस कर सकता हूँ, बट तो अपने को ज़्यादा वो क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरा जो रो है वो एक एक करके बढ़ता जाएगा। ठीक है, और 1 से लेके 100 तक मेरा एक कोड रन करेगा ये पर्टिकुलर लाइन, और हर बार वो क्या करेगा, लिखेगा लूप रन, और उसके बाद आई की जो वैल्यू है वो यहाँ पे लाके डाल देगा। इसको रन कर देते हैं, तो ये देखिए मैंने जो जैसे ही कोड रन किया तो मेरा सिंगल जो लाइन था वो 100 बार रन हो गया, और इसने मेरे को 1 से लेके 100 तक की वैल्यू यहाँ पे डाल के दे दी। ठीक है, तो ये सिंपली हमारा लूप होता है कि सिंगल लाइन को हम कितनी भी बार लूप लगा के, जैसे 1000 बार भी लगाना हो तो मैं रन कर सकता हूँ। बहुत ही पावरफुल तरीका होता है, और बीच में जितने भी लॉजिक लगाऊंगा वो सारे के सारे लॉजिक मेरे इतने बार रन कर जाएंगे। तो ये हमारा लूप होता है, लिखने का सिंपल तरीका होता है फॉर वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू कितने से लेके कितने तक हमको रन करना है। और भी तरीके होते हैं लूप लिखने के हमारे पास, फॉर लूप लिखने के, बट ये तरीका सबसे कारगर, सबसे ईजी है, समझने में बहुत आसान है, और हम बाद में और तरीकों की भी बात करेंगे, जैसे हमारे पास वाइल लूप भी होते हैं, ठीक है, डू वाइल भी होते हैं, तो उन लूप्स की उन वो लूप्स इतने कारगर नहीं है, इतने ज़्यादा यूज़ में भी नहीं आते हैं, बहुत रेयर यूज़ में आते हैं। फॉर लूप हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप फॉर लूप लिखने के लिए सिंपल लिखते हैं फॉर आई, फॉर वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू कितने से कितनी बार रन करना है, और लिखना होता है नेक्स्ट आई, यानी कि नेक्स्ट उसके बाद आई ना भी लिखे तो भी चलेगा, वो नेक्स्ट से वीवीए समझ जाता है कि मेरे को अब यहाँ पे इंक्रीमेंट लेना है, और ये फर्दर इसको रन करते जाता है। ठीक है, तो ये हमारा लूप था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हम्म।